नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हर महीने की तरह आज मैं आपको वृष राशि वालों का सितंबर का महीना कैसा रहेगा और क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी है और क्या क्या कार्य हम कर सकते हैं उसकी जानकारी देने का प्रयास करते हैं। वृष राशि वालों पर, वृष राशि के ऊपर ही मंगल इस समय पर गोचर है। क्रोध की अधिकता, प्रॉपर्टी का कोई ना कोई विवाद और इसके साथ साथ पत्नी स्थान में भी किसी प्रकार का जो है परेशानी आपको मंगल दे सकता है। सूर्य आपके चौथे स्थान में है, आपकी राशि से तो चौथा स्थान भूमि का, भवन का, वाहन का, माता का, यश का, प्रतिष्ठा का होता है, तो इन चीजों में आपकी वृद्धि होगी। शनि ये जो है आपके नवम स्थान में है और वृष राशि वालों के लिए शनि कारक होते हैं, योग कारक होते हैं, तो भाग्य की वृद्धि करवाएंगे, लंबी यात्राएं करवाएंगे। वो लंबी यात्राएं देश विदेश की हो सकती हैं और भाग्य इस समय पर किए जाने वाले जितने भी जो कर्म हैं, आपके कृत्य हैं, आपके प्रयास हैं, वो आपके भाग्य को बढ़ाने वाले होंगे। बृहस्पति आपके 11वें स्थान के अंदर हैं और 11वें स्थान में बैठे हुए बृहस्पति अनायास लाभ तो देते ही देते हैं, लेकिन उनकी पंचम दृष्टि के द्वारा आपका तृतीय स्थान देखा जा रहा है। तृतीय स्थान प्रभाव, पराक्रम, भाई, मित्र, उनके अंदर यह वृद्धि करने वाला है, लाभ देने वाला है। बृहस्पति की दृष्टि पंचम स्थान के ऊपर भी जा रही है और पंचम स्थान विद्या और संतान दोनों का है, तो दोनों के अंदर शुभ फल देने वाले होंगे। विद्या का परिणाम अच्छे होंगे, यानी परीक्षा फल आपके बढ़िया जाएंगे, पढ़ाई के अंदर रुचि होगी, मन लगेगा और संतान से सुख या संतान की प्राप्ति भी, जिनको संतान होनी है उनको संतान का सुख इस समय पर प्राप्त हो सकता है। जिनका विवाह रुका हुआ है उनका विवाह संभावित हो सकता है, विवाह की योजना बन सकती है, संबंध पक्का हो सकता है, नए व्यापार की शुरुआत हो सकती है। तो ये सब बातें आपको प्राप्त हुई। राहु आपके 12वें स्थान में है, तो राहु 12वें स्थान में बैठ करके बड़े भारी नुकसान को दे सकता है, हॉस्पिटल पहुंचा सकता है, कानूनी विवाद के अंदर फंसा करके कहीं भी कोर्ट अदालत तक ले जा सकता है, तो उससे आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब मैं दैनिक राशिफल आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। 1 और 2 तारीख आपके लिए विवादों से भरी पड़ी है, झगड़े, टंटे, विवाद, फसाद इसके अंदर कुछ हो सकते हैं, रोग, ऋण ये आपको हो सकते हैं। 3-4 तारीख आपके लिए बहुत बढ़िया है, 3-4 तारीख के अंदर व्यापार की वृद्धि हो, बड़े बड़े व्यापारियों से आपके मेल बने, पति पत्नी के अच्छे संबंध हों और आप अच्छा महसूस करते हुए और इन दिनों को आप खुशी से गुजारेंगे। 5 और 6 तारीख ये आपके लिए पीड़ाकारक है, कष्टकारक है, शरीर आपका अस्वस्थ रह सकता है, तो उसका आप ध्यान रखें। और 7-8 तारीख ये आपके लिए छोटी मोटी यात्राओं की हो सकती है, भाग्य वृद्धि के अंदर ये जो है सहायक होंगी और आपका भाग्य बढ़ेगा। 9-10 तारीख आपके लिए, पिता के लिए, राज्य के लिए शुभ रहेगा और इसके अंदर आपको राजा से, राज्याधिकारियों से, मंत्रियों से कुछ लाभ हो सकता है। 11-12 तारीख आपके लिए लाभ की है, अनायास लाभ, अकारण लाभ और अप्रत्याशित लाभ ये आपको होगा। इसी के साथ 13-14-15 तारीख ये आपके लिए नुकसान की है, खर्चों की है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस समय पर किया गया खर्च वो व्यर्थ में जा सकता है, दिया हुआ पैसा डूब सकता है,
इन्वेस्ट किया हुआ पैसा नष्ट हो सकता है, तो उसके लिए दो दिन की सावधानी आपको बरतनी है। अब 16, 17, 18, 19 और 20 ये 5 दिन आपके लिए बहुत ही सुखद रहेंगे, लाभकारी रहेंगे, आनंददायक रहेंगे और इसके अंदर हर प्रकार का सुख, परिवार का, तन का, मन का, धन का, इन सारे सुखों को आप जो है प्राप्त करेंगे। 21 और 22 तारीख ये आपके पराक्रम और प्रभाव की है। भाई और मित्रों से लाभ, विजय इसके अंदर आपको जो है प्राप्त हो। 23 और 24 तारीख ये आपके लिए थोड़ी सी कष्टों की है, परेशानियों की है, चिंता की है, क्लेश की है, तो उसमें आप सावधान रखें। 25, 26 और 27 तारीख ये विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है, पढ़ने वालों के लिए बहुत बढ़िया है, एग्जाम देने वाले, कंपटीशन में जाने वाले या इंटरव्यू देने वाले, उनके लिए ये लाभदायक रहेंगी। इसके साथ ही 28 और 29 तारीख ये आपके विवादों से भरी पड़ी है, झगड़े, टंटे, फसाद, रोग, ऋण, रिपु, झंझट, विद्रोह, विरोध, इसके अंदर जो है आपको प्राप्त हो सकते हैं, तो हर प्रकार से अपनी वाणी पर कंट्रोल करें। 30 तारीख आपके लिए सुखद है, व्यापार के लिए अच्छी है, पति पत्नी और स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, समाज के लिए भी अच्छी है, इसके अंदर शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बाकी और किसी प्रकार की जानकारी के लिए आपको इन नंबरों पर संपर्क करके किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है और वो कैसे दूर हो सकती है, उन सब बातों की जानकारी आप फोन से जो है अपॉइंटमेंट लेकर के और हमारे कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं वो आप प्रदान करके और हमारी सेवाओं को आप प्राप्त करें। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.श्रीवशिष्ठ.com।